बोलो। हाँ प्रवीण बोलो। सर आवाज क्लियर आ रही है, वही बोलना था। तो चालू करते हैं। अब देखो, जो लोग लेट आते हैं ना, उसमें कभी कभी वो रिजेक्ट हो जाता है, तो समझ लो कि वो क्लास में नहीं आने देते ना, इस तरह का समझ लो। जानबूझ के तो नहीं किया है, पर एकाध किसी का नाम आया था तो वो गलती से रिजेक्ट हो गया, तो ये लेट आने का परिणाम है, भुगतना पड़ेगा। हम लोग बात कर रहे थे इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ की, तो दूसरी जो डेफिनेशन है, एबिलिटी टू थिंक डीपली। एक तो क्या है, हम जनरली बहुत अच्छे से सोच विचार करके कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ का एक अर्थ ये भी होता है कि गहराई से विचार करने की क्षमता, बहुत अच्छे से प्लानिंग बनाने की क्षमता, या बहुत अच्छे से चिंतन करने की, जो चिंतक होते हैं, जो फिलोसोफर होते हैं, तो बहुत गहराई से सोच सकते हैं किसी भी चीज को, तो वो भी एक इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ का पार्ट है। डेफिनेशन में किसी को कोई क्वेश्चन या किसी को कुछ ऐड करना है? इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है? किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, आगे चलते हैं। कौन कौन सी स्ट्रेंथ महत्वपूर्ण मानी जाती है? सबसे पहले फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक क्षमता, ताकत, शरीर में ताकत होनी चाहिए ऐसा कहते हैं, तो एक शारीरिक क्षमता भी मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरी एक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, मानसिक क्षमता, उसको भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा है सोशल स्ट्रेंथ, सामाजिक क्षमता, और जनरली इन तीन की ही बात ज्यादा मॉडर्न सोशल साइंसेस में होती है, पर स्पिरिचुअलिटी में एक चौथी स्ट्रेंथ की भी बात होती है, वो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। अब ये चार स्ट्रेंथ है, वैसे तो क्या होता है कि एक दूसरे पर आश्रित भी है, और किसी एक स्ट्रेंथ को हम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मान सकते वैसे, क्योंकि देखिए, अगर फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल ही नहीं है तो कितनी भी बुद्धि आपकी तीव्र हो, लेकिन कुछ तो आपको स्ट्रेंथ चाहिए जो आपके डेली रूटीन के काम है उसे करने के लिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो शारीरिक क्षमता भी बहुत जरूरी है। फिर मानसिक क्षमता है कि शारीरिक क्षमता तो अच्छी है पर मानसिक क्षमता नहीं है, पहलवान है लेकिन बिल्कुल कुछ बुद्धि नहीं चल रही है, तो वो भी दिक्कत है। एक तीसरा महत्वपूर्ण है कि भाई अपने पास शारीरिक क्षमता भी बहुत अच्छी है, हमारा दिमाग भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर समाज से हम कटे हुए हैं, समाज में हमारा कोई स्थान नहीं है, या समाज में लोग हमें धिक्कारते हैं, हमने ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण समाज में लोग हमें नफरत करते हैं, हमसे द्वेष करते हैं, तो सोशल स्ट्रेंथ भी जरूरत है कि समाज में हमारा एक स्थान हो। चौथा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को माना गया है कि आपका तीनों सही है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, समाज में भी बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन आपका जो जीवन है वो आपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई प्लानिंग नहीं किया है, मनुष्य जीवन का क्या महत्व होता है, और भौतिक क्षमताओं पर ज्यादा हमने महत्व दिया है, हमने आध्यात्मिक जो शक्तियां हैं, आध्यात्मिक साधना है, जो हमारे श्रद्धा विश्वास है, उस पर अगर हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, तब भी कहते हैं कि कुछ ना कुछ अपूर्ण हो जाता है। ये तीन स्ट्रेंथ पर ज्यादा फोकस करते हैं लोग, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और सोशल, पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और वो जन्मों जन्म की स्ट्रेंथ होती है।
ये जनरली केवल आपका इस जन्म की स्ट्रेंथ होती है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और सोशल, पर स्पिरिचुअल कहते हैं कि वो जन्मों जन्म की आपकी प्रोग्रेस होती है ना। हालांकि अपने शास्त्र में तो इवन यहाँ भी कहते हैं कि हमारा मन है वो भी शरीर के साथ साथ, अपने आत्मा के साथ, शरीर जब छूट जाता है तो आत्मा के साथ मन भी जाता है, तो कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है वो हमारी साथ में जाती है, मेमोरी जाती है, हमारे संस्कार जाते हैं, तो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ भी साथ में जाती है, फिजिकल स्ट्रेंथ यही रह जाएगी। सोशल अच्छे काम किए होंगे तो वो कर्मों का सिद्धांत जो है वो आगे भी काम आएगा, तो सोशल स्ट्रेंथ भी आपको अगले जन्म में काम आ सकती है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर माना जाए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी दूसरी स्ट्रेंथ को कम महत्वपूर्ण तो नहीं माना है, कि महत्वपूर्ण तो है ही, वो भी महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। इस तरह से ये चार स्ट्रेंथ की ज्यादा बात करती है, और भी बहुत सारी तरह की चीजें, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ और सब की बात अलग से की जा सकती है, जो हम थोड़े एक अलग डायमेंशन से लेंगे, यहाँ इसको इसलिए नहीं लिया गया। इसमें कोई क्वेश्चन? आगे चलते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ का? भगवद गीता में कहा गया है, बुद्धि सुपीरियर देन बॉडी, सेंस ऑर्गन एंड माइंड, बट इंफीरियर देन द सोल। अगर हम इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ की बात करें तो दोनों चीजें आ जाती है, माइंड और इंटेलेक्ट, क्योंकि माइंड भी है वो कहीं ना कहीं वो मानसिक शक्ति का ही एक पार्ट है, हमारा जो मन है। हम सिर्फ एक ही कैटेगरी करते हैं जनरली, मानसिक शक्ति, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, लेकिन यहां पर देखा जाए तो शरीर अलग है, शरीर के ही पार्ट होते हुए भी सेंस ऑर्गन या जिसको हम इंद्रियां कहते हैं वो अलग है, और माइंड भी अलग है और बुद्धि भी अलग है। तो यहां पर माइंड को हम रैम की तरह, कंप्यूटर की रैम की तरह समझ सकते हैं, और बुद्धि को प्रोसेसर की तरह समझ सकते हैं। तो प्रोसेसर है उसको सबसे महत्वपूर्ण माना है, सिर्फ एक उससे महत्वपूर्ण एक ही है चीज, वो है आत्मा। तो बुद्धि वैसा देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि मन हमारा एकदम चंचल रहता है, तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि भाई हमें मन को कैसे कंट्रोल में लाना है, तो बुद्धि के सहयोग से आप मन को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इस तरह से मन से ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ बुद्धि को माना गया है। इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ में दोनों चीजें आ जाती है। फिर है द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ इन मेजर थ्री पाथ्स ऑफ लाइफ। भगवद गीता में तीन पाथ बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग सबसे पहले अगर देखें, भगवान ने कहा है कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है, तो वो ज्ञान के लिए भी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। वैसे ये भी कहा जाता है कि साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा ज्ञान अंदर से उभरता है, अंतःकरण से निकलता है, पर फिर भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि उसमें इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, बुद्धि की जरूरत पड़ती है। तो ज्ञान मार्ग में बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्म मार्ग है, कर्म आप अगर आप केवल कर्म करते हैं पर बुद्धि का अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो कर्म में गड़बड़ियां रह जाएगी, तो कर्म के लिए भी आपको बुद्धि की जरूरत पड़ती है। फिर है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि उसमें तो आपको, एक मिनट, ये बहुत ज्यादा फोन आ रहा है। हेलो, हाँ भैया, ये रॉन्ग नंबर लगाया है, और बार बार काटने पर भी आप फोन कर रहे हैं, हम अभी बिजी हैं। आप, हाँ, पर ये रॉन्ग नंबर है।
भक्ति मार्ग में कहते हैं कि हृदय की भावनाओं की श्रद्धा की ज्यादा जरूरत पड़ती है, बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी कहते हैं कि उस वहां जो भक्त एक समझदारी वाली बात करता है, उसे कोई भी कष्ट आने पर भी वो उसको सहता है, तो वहां भी कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ की तो बात आती ही है, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। तो भले ही कम जरूरत पड़ती है, पर भक्ति मार्ग में भी जरूरत पड़ती है, कर्म मार्ग में थोड़ी और जरूरत पड़ती है, और ज्ञान मार्ग में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर तीसरा एक डायमेंशन है रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ इन स्टडी। आपने देखा कि स्टडी में जो ज्यादा स्कोर प्राप्त कर लेता है, जनरली डॉक्टर बनते हैं या आईआईटीस में जाते हैं, आईआईएम्स में जाते हैं, तो ये भी एक इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ उनकी बहुत अच्छी है। इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ में सब कुछ आ गया, मेमोरी, कंसंट्रेशन और भी सारी चीज जो आगे हम चर्चा करेंगे उसकी, तो स्टडी में तो सबसे महत्वपूर्ण है ही। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के विषय में भी ये कहा जाता है कि जो उद्योगपति है, मुकेश अंबानी है, दूसरे लोग हैं जो जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो वहां भी वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि के द्वारा वो प्लानिंग इतना अच्छा करते हैं, बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए वो अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। फिर सोशल एक्टिविटीज है, हमें समाज के लिए कुछ करना है, जो गृहस्थ लोग करते हैं, जो जनरली शादी के बाद जो कहते हैं कि भी गृहस्थ आश्रम शुरू होता है, तो वहां पर भी आपको इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, लोगों को हंसाना, हमें एंजॉय करना, तो जो सेंस ऑफ ह्यूमर है या और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, उसमें सब जगह पर इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। तो आनंद के लिए, एंजॉय करने के लिए भी बुद्धि की जरूरत पड़ती है, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भले ही सबसे महत्वपूर्ण तो भावना है, प्राण, जो साधना का प्राण है वो भाव है, हमारे अंदर भाव होने चाहिए, पर फिर भी अगर हम बिना बुद्धि का, दिमाग का इस्तेमाल किए, बिना हम मूर्खता अगर करेंगे, तो कई बार ये होते हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बजाय वो एक तरह से आत्महत्या हो जाएगी। और कई बार जो लोग बहुत ज्यादा हठयोग करते हैं, बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं कि जिसमें कोई साइंटिफिक उन्होंने डायमेंशन का विचार नहीं किया है, तो कई बार वो बहुत ही ज्यादा नुकसान करती है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आपको इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमने ये चर्चा की कि इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ का क्या महत्व है, कौन कौन सी स्किल्स होती हैं इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ से रिलेटेड। तो एक है कॉन्सेप्चुलाइजिंग, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना, किसी भी चीज को समझना। फिर है अप्लाइंग, जो भी नॉलेज है उसको अप्लाई करना। फिर एनालाइजिंग, एनालिसिस करना, एनालाइज करना। फिर सिंथेसाइजिंग, दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग फील्ड है, उनको जोड़ना, सिंथेसाइज करना, इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है, क्या संबंध है। फिर इवेल्यूटिंग, किसी भी चीज का मूल्यांकन करना। तो ये सारी चीजें हैं वो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ से संबंधित है। ये तो कुछ स्किल्स की बात करी हमने, तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जो वो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ से संबंधित है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो लोग भी अभी तक जो सो रहे थे वो ध्यान दें, जो सुन रहे थे वो तो बहुत अच्छा है, तो जो नहीं सुन रहे थे वो भी थोड़ा सुने। अब कैसे इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो अपने शास्त्रों में ये बताया गया है, काऊ घी, गाय का घी है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बुद्धि को बढ़ाता है, ऐसा आयुर्वेद के शास्त्रों में बताया गया है। हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में भी कई जगह पर इसका जिक्र हुआ है। इसके अलावा गाय का मिल्क, दूध, देसी गाय का दूध, वो भी बुद्धि को बढ़ाता है। आयुर्वेद में एक और कॉन्सेप्ट है ब्रेन टॉनिक्स का, मेद्य रसायन,
जैसे एक ब्रह्म रसायन, यहाँ पर फोटो भी दिखाया है, ब्रह्म रसायन अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में भी बनता है, ये डाबर का है, इस तरह और भी कंपनियां बनाती है। उसमें क्या होता है कि ब्राह्मणी शंखपुष्पी जैसी जड़ी बूटियां डालते हैं जो आपके मानसिक शक्ति का विकास करती है, कंसंट्रेशन बढ़ाती है, मेमोरी बढ़ाती है, तो इस तरह से ब्रेन टॉनिक्स का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। तीसरा है ब्रेन गेम्स, ये मॉडर्न साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि हम जिस तरह से शरीर को एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है, यहाँ चित्र में दिया है कि दिमाग है वो कसरत कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो इस तरह से मस्तिष्क को भी एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड ब्रेन गेम्स होती है, मेमोरी से रिलेटेड ब्रेन गेम्स होती है, दूसरी कॉग्निटिव एबिलिटी से रिलेटेड ब्रेन गेम्स होती है, तो वो अलग अलग ब्रेन गेम्स है, वो एक लिमिटेड अवधि में खेलते रहना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि भाई हाँ, गेम्स तो हमें बहुत अच्छी लगती है, पर सब तरह की वीडियो गेम्स होती है, सब तरह की जो मोबाइल में गेम्स होती है, वो इस मकसद से नहीं बनाई जाती है कि जिससे आपका ब्रेन डेवलप हो। वो तो आपको उसमें मजा आ रहा है, उसमें मार काट भी है और हिंसा भी है, सब कुछ है, वायलेंस है, तो वो उतना यूजफुल नहीं होती है। जबकि जो रिसर्च आधारित होती है, जिसको रिसर्च के आधार पर उन्होंने ब्रेन गेम सजेस्ट की होती है, वो ब्रेन गेम्स आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। मेमोरी गेम्स में जैसे हमने देखा, एक स्पेलिंग के लिए स्क्रेबल करके आती है, स्पेलिंग्स की जो क्रॉसवर्ड्स वगैरह हम लोग करते हैं, तो उससे हमारे याद जो याद करने की क्षमता है, अलग अलग प्रकार के स्पेलिंग्स वगैरह उसके अर्थ वो बढ़ती है। तो इस तरह की कुछ गेम्स जो होती है वो उसी के लिए, उसी लिए डिजाइन की जाती है, तो ऐसी गेम्स से भी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इस तरह से आज हमने इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ की बात करी है। आप लोगों में से किसी को कुछ जोड़ना हो, ऐड करना हो, कुछ पूछना हो? जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सर ये एक जो 3 मार्ग बताए सर, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग को हल्का सा एक आध एग्जाम्पल लेकर समझा देते सर, नहीं समझ में आ रहा है दोनों में अंतर। दोनों किस में अंतर? भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग में? जी सर, जी सर, एक आध हाँ एग्जाम्पल लेके सर समझा दीजिए। ओके। कोई और एग्जांपल देना चाह रहा है भाई, कि मैं ही दे दूं एग्जांपल? कोई एग्जांपल दो, चलो, ज्ञान कर्म और भक्ति मार्ग का, तीनों का। कोई नहीं, सबको डाउट था, पूछा केवल एक ने। आज मुझे लगता है कल होली खेलने के बाद सब सो रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो मैं ही बता देता हूं। सबसे पहले ज्ञान मार्ग तो क्लियर है कि जो ऋषि मुनि है या वैज्ञानिक है, वो ज्ञान की साधना करते हैं, ज्ञान के द्वारा जीवन को समझ लेते हैं, और ज्ञान के द्वारा उसमें आत्मा और परमात्मा के अंतर जो भेद है वो उसको ज्ञान के द्वारा खत्म हो जाता है, वो समझ लेते हैं कि कोई अंतर नहीं है, उसी को मोक्ष माना गया है, उसी को समाधि माना गया है, तो वो ज्ञान मार्ग है। कर्म मार्ग में क्या है कि एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि हमारे जीवन का मुख्य ध्येय है ईश्वर की सृष्टि को और अच्छा बनाना। अच्छी तो है ही, पर उसको उसमें हमें अपना योगदान देना। तो हम भगवान की सृष्टि को कैसे अच्छा बनाएंगे? तो कर्मों के द्वारा, जो ट्री प्लांटेशन करते हैं, पर्यावरण को बचाते हैं, गरीब लोगों की सेवा करते हैं, जहां पर कर्म ज्यादा किए जाते हैं, भगवान की भले ही कोई बैठकर पूजा ना करे, भक्ति ना करे, कोई शास्त्र वगैरह ना पढ़े, स्वाध्याय ना करे, लेकिन वो दीन दुखियों की सेवा करते हैं, तो वो कर्म मार्ग है। तीसरा जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में क्या होता है कि अंदर से ऐसे भाव आते हैं कि भाई कर्म भी नहीं बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, न ज्यादा आपको ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है, बस एक ईश्वर के प्रति प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बिना किसी अपेक्षा के ईश्वर के प्रति इतना प्रेम उभरता है। मुझे लगता है कि जनरली भक्ति मार्ग जो है ना, वो तो जन्मों जन्म के बाद का एक रिजल्ट है, अपने आप जो इतनी ज्यादा भक्ति उमड़ती है कि दिन रात उनको वो ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं।
तो ये तीन अलग-अलग एग्जाम्पल हैं, लेकिन वास्तव में ये होता है कि तीनों का समन्वय ज्यादा उपयुक्त माना गया है। कोई भी चीज गलत नहीं है। ज्ञान मार्ग वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि कोई कर्म बिल्कुल नहीं करना है, किसी को भी मदद नहीं करनी है, या भगवान के प्रति भक्ति नहीं होगी तो भी चलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहते हैं, तो श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, पर उनका ज्यादा फोकस ज्ञान पर होता है। इसी तरह कर्म मार्ग वाले को भी ऐसा नहीं है कि ज्ञान और भक्ति को इग्नोर करना है, पर उसका ज्यादा फोकस कर्म पर होता है, और भक्ति में ज्यादा फोकस भक्ति मतलब कि अपनी ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसके ऊपर होता है। क्लियर? यस सर। और कोई क्वेश्चन किसी को कुछ ऐड करना है? इसमें एक पूछना है सर। हाँ पूछो। सर जैसा कि पुरानी कथाओं में सर दिखाया जाता है कि भक्ति मार्ग से ही मतलब ज्ञान मार्ग मतलब निकल कर आता है, तो वो कहाँ तक सत्य है सर? जो भक्ति मार्ग में ही लीन है वो ज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसको साइंटिफिकली प्रूव करना मुश्किल है, पर ऐसा कहते हैं कि पहले तो जैसे ज्ञान मार्ग में भी कहा ही है ना कि भाई श्रद्धावान लभते ज्ञान है, जिनके अंदर भक्ति नहीं होती है तो वो असली ज्ञान, ज्ञान मतलब सब प्रकार का ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान है या ईश्वर के प्रति जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, तो वो ज्ञान भक्ति के द्वारा ही उमड़ता है। ऐसा कहते हैं कि बिना भक्ति के वो बाकी दूसरा कुछ भी नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं, पर बिना भक्ति के जो दिव्य ज्ञान है वो नहीं प्राप्त हो सकता, ऐसा कहते हैं। पर इसी में से वो निकलता है ऐसा साइंटिफिकली प्रूव करना मुश्किल है ना, कहा तो जाता है। पर जैसे आदि शंकराचार्य है, तो उनका अगर एग्जाम्पल लें तो उन्होंने इतने सारे अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, इतने ज्यादा व्याख्याएं की हैं, एक तरह से कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म को बचाया उन्होंने, तो लेकिन फिर भी क्या है कि उन्होंने कर्म भी किए हैं, भक्ति भी उनके अंदर थी, पर फिर भी वो ज्ञान मार्ग के लिए उनका एग्जाम्पल लिया जाता है। जबकि जो संत हुए हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, उन लोगों का भक्ति मार्ग का एग्जाम्पल लिया जाता है ना, जैसे संत तुकाराम है या दूसरे संत हुए, तो उनका भक्ति मार्ग का एग्जाम्पल लिया जाता है। तो कहना मुश्किल है कि क्या वो भक्ति में से ही निकलती है, ज्ञान भक्ति में से ही निकलता है ऐसा, पर बिना भक्ति के ज्ञान नहीं हो सकता। और कोई क्वेश्चन? अटेंडेंस ले लेते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो रुक सकते हैं, अटेंडेंस के बाद शांति पाठ करेंगे फिर जा सकते हैं। आज 30 तारीख, शिखा, प्रेजेंस सच्चिदानंद, सर, विभा, प्रेजेंट सर, साधना, गौतम, प्रेजेंट हाँ ठीक है, गौतम सर, भी प्रेजेंट, शिवानंद, यस सर, यस सुजाता, सर, नेहा, सर, प्रेमा, प्रेजेंट सर, यस अर्चना, सर, मणिकांत, प्रीति, प्रेजेंट सर, सुधा, प्रेजेंट सर, सुधा प्रेजेंट है ना, जी सर, प्रवीण, प्रेजेंट सर, अंबेडकर, निधि, यस सर, दिव्य, यस सर, अंजलि चौहान, अंजलि चौधरी होगा सर, सॉरी सॉरी, हाँ उपस्थित सर, मोहिनी, आभा, कल्पना, प्रेजेंट सर, विकास, प्रेजेंट सर, अंजलि आचार्य,
रितिका प्रेजेंट सर, रुचि प्रेजेंट सर, श्रद्धा प्रेजेंट सर, अमरकांत श्वेता प्रेजेंट सर, प्राची प्रेजेंट सर, वसुंधरा प्रेजेंट सर, नवीन हरिओम प्रेजेंट सर, किरण प्रेजेंट सर, तन्नु प्रेजेंट सर, पंकज यस सर पंकज, चंदन विवेक प्रेजेंट सर, आराधना यस सर, जगरू अभिषेक अर्पणा आकांक्षा प्रेजेंट सर, श्रद्धांजलि प्रज्ञा यस सर, सनातन नेहा मिश्रा यस सर, अनीशा प्रेजेंट सर, मिथिलेश प्रेजेंट सर, स्वाति एब्सेंट के नाम बोल रहा हूं मैं, प्रेजेंट सर, प्रीति कुमारी अंबेडकर, मोहिनी आभा, अंजलि आचार्य, अमरकांत, नवीन चंदन, जगरू अभिषेक, अर्पणा कुमारी सर, अर्पणा प्रेजेंट, अच्छा ठीक है, श्रद्धांजलि सनातन, शांति सर, रचिका अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, कितना टाइम लग जाता है इसमें, नंबर बोलो नंबर, रितिका तो प्रेजेंट किया ही था भाई, मोहिनी कहाँ है, किसके आगे पीछे है, चलो मोहिनी का मैं लगा दूंगा प्रेजेंट, और कोई शांति पाठ, ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।